कृष्ण विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हर किसी पर आरोप लगाकर मीडिया की चर्चाओं में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मानहानि का केस था, जिस पर न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर 5 दिसंबर को FIR के आदेश दिए थे। उस पर न्यायालय ने दिग्विजय सिंह को अग्रिम जमानत दी। आगे वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की छल कपट की राजनीति को जनता और न्यायालय भी देख रहा है और न्यायालय इसको ठीक भी करेगा। हर किसी पर आरोप लगा करके मीडिया की चर्चाओं में आना, मैंने उनके ऊपर मानहानि का केस किया था। 5 दिसंबर को माननीय न्यायालय ने उनके ऊपर मानहानि के केस में FIR दर्ज करने के आदेश दिए। आज उन्होंने उस केसी में जमानत ली है, लेकिन उन्हें अपने उस वक्तव्य पर कोर्ट के सामने अभी जवाब देना पड़ेगा और ज़रूर देना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे लोगों को इसमें ही आनंद आता है कि उन्होंने आज कहा कि मेरे ऊपर तो देश के कई राज्यों में इस प्रकार के केस चल रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की झूठ और छल कपट की राजनीति करने के आधार पर अपने आप को बनाए रखने का उनका शौक है, तो मैं उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अब ये देश और समाज अप्रासंगिक हुई कांग्रेस के इस प्रकार के नेतृत्व को, इनके झूठ और छल कपट की राजनीति को जनता भी देख रही है, अब तो न्यायालय भी देख रहा है और न्यायालय सब कुछ ठीक भी करेगा। इसलिए ऐसे लोग हमेशा से अपने आप को मीडिया में चर्चा में लाने के लिए इस प्रकार के काम करने का प्रयास करते हैं।